चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम बढ़ सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम जो आपको अमोनिया फॉर्मेशन दे रखा है इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम की जो तो डायरेक्शन है विल बी शिफ्टेड टू द राइट डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टू द राइट बाय ये आपका राइट right क्यों जाएगा इक्विलिब्रियम राइट डायरेक्शन में क्यों शिफ्ट होगा यानी आपका रिएक्शन फॉरवर्ड यानी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट क्यों होगा उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं तो पहला ऑप्शन दिया है इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कि जैसे ही आप नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे अगेन सेम तरीका जैसे ही नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम इस इफेक्ट को नेग्लेक्ट करने के लिए कहाँ जाना चाहेगा जहां कंसंट्रेशन कम हो जहां कंसंट्रेशन कम होने का मतलब कहा जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी राइट डायरेक्शन में जाएगा यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो गया ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया अच्छा आगे बढ़ सकते हैं अपन और क्या compressing the reaction mixture? The reaction mixture का मतलब क्या क्या है? कि आपने pressure बढ़ाया और pressure बढ़ाने पर क्या होगा प्रेशर बढ़ाने पर शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम आपका जाएगा हायर मोल टू लोअर मोल हायर मोल टू लोअर मोल साइड अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मोल टू लोअर मोल साइड कौन सी है हायर मोल साइड कौन सी है रिएक्टेंट लोअर मोल साइड कौन सी है प्रोडक्ट ठीक है तो इक्विलिब्रियम क्या होगा भाई प्रेशर बढ़ाने पर अगेन कहाँ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा अगेन यानी शिफ्ट कहाफ्ट हो रहा है राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तो बी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा क्या कैटलिस्ट को रिमूव करने से कोई फर्क पड़ने वाला है तो कैटलिस्ट जो होता है ये इक्विलिब्रियम में कोई चेंज लेके नहीं आता ठीक है कैटलिस्ट आप ऐड कर दें कैटलिस्ट को हटा दें उससे इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कैटलिस्ट का, का काम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है इक्विलिब्रियम कब अटीव होगा हाँ इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो सकता है लेट अचीव हो सकता है वो पॉइंट अलग है टाइम इक्विलिब्रियम को अचीव होने में जो टाइम लग रहा है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है लेकिन इक्विलिब्रियम कहाँ आपका शिफ्ट होगा कहाँ नहीं मिलेगा ये कैटलिस्ट डिसाइड नहीं करता लास्ट ऑप्शन अपन देखें कि डिक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया अब आप जैसे ही अमोनिया की कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे अगेन कंसेंट्रेशन डिक्रीज होने पर इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ये भी आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन में आ जाएगा तो आपके ऑप्शन कौन कौन से हो गए ए बी एंड डी यानी बेसिकली इन क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको बच्चों को पहले ली चैतल्य प्रिंसिपल प्रॉपर समझाना पड़ेगा अच्छे से कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है जब हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो, तो, तो क्या होगा कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो क्या होगा ये सारी कहानी जब आप बच्चों को बताएंगे तब बच्चों को ये क्लियर होगा दिमाग में ठीक है